ओप्पो रेनो 10 और वन प्लस का नोट 3, इन दोनों की ही हम साइड बाई साइड कंपेयर करने वाले हैं कि कौन से स्मार्टफोन में आपको कैमरा बेस्ट देखने को मिलता है, किस स्मार्टफोन में आपको परफॉर्मेंस अच्छी है, डिस्प्ले काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें दोस्तों, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अभी सबसे पहले हम इनके डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। तो ओप्पो वाले स्मार्टफोन में काफ़ी ज़्यादा हैंडी फील होता है, 3D कर्व डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, पीछे भी आपको कर्व ही देखने को मिलता है, पीछे आपको प्लास्टिक दे दिया गया है मैट फिनिशिंग में, तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट वगैरह के निशान नहीं देखने को मिलते हैं। बट जो वन प्लस वाला स्मार्टफोन है उसमें आपको पीछे आपको ग्लास देखने को मिलता है, जिसमें फिंगरप्रिंट वगैरह के निशान आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, फ्लैट इसमें आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है दोस्तों। अभी हम इसमें पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो नीचे की साइड में आपको सिम ट्रे देखने को मिलती है दोनों ही स्मार्टफोन में, चार्जिंग कनेक्टर देखने को मिल जाता है, स्पीकर देखने को मिल जाता है, माइक देखने को मिल जाता है। बट राइट हैंड साइड पे आपको वन प्लस वाले में आपको पावर का स्विच देखने को मिलता है और अलर्ट स्लाइडर देखने को मिलता है। अलर्ट स्लाइडर वन प्लस के महंगे स्मार्टफोन्स में आता था दोस्तों, बट इनमें अभी बजट सेगमेंट में भी वन प्लस वापस लेके आ गया है, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है। और साथ में ओप्पो वाले में आपको पावर स्विच के साथ में ही वॉल्यूम रोकर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ऊपर की साइड पे आपको IR ब्लास्टर देखने को मिलता है, नॉइस कैंसलेशन वाला माइक देखने को मिलता है और साथ में स्पीकर देखने को मिल जाता है। इन दोनों ही स्मार्टफोन में आपको डुअल स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको ओप्पो वाले स्मार्टफोन में कुछ भी नहीं दिया गया है। बाकी इन दोनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्ले की हम बात कर लेते हैं, तो आपको ओप्पो वाले में 3D कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और वन प्लस वाले में आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको पंच होल कैमरा देखने को मिल जाता है दोस्तों। हम फाइनली बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की कैमरे क्वालिटी को लेके। तो आपको ओप्पो वाले स्मार्टफोन में 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, 32 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड दिया गया है। वन प्लस वाले में 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX890 वाला देखने को मिलता है, साथ में 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो लेंस देखने को मिलता है। इन दोनों ही स्मार्टफोन की मैंने कैमरे की फुल डिटेल वीडियो भी कर रखी है दोस्तों, कैमरे क्वालिटी को लेके, कैसी इसमें पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है, पोर्ट्रेट इसमें कैसा देखने को मिलता है, साथ में वीडियो क्वालिटी, सेल्फी कैमरा, सारी ही बातें मैंने उस वीडियो में कर रखी है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूं दोस्तों। डिस्प्ले की भी बात कर लेते हैं दोस्तों, तो वन प्लस वाले में आपको 6.74 इंच की फुल HD प्लस एमुलेट फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलती है 120 हर्ट्ज के साथ में है, और यहीं पे ओप्पो वाले स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंच की HD प्लस एमुलेट 120 हर्ट्ज के साथ में देखने को मिलती है। इसमें आपको 3D कर्व डिस्प्ले होने वाली है और आउटडोर में इन दोनों ही स्मार्टफोन में कोई भी ब्राइटनेस वगैरह को लेकर कोई भी परेशानी आपको देखने को नहीं मिलती है, अच्छे से इनमें विजिबल आपको देखने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरा आपको ओप्पो वाले में ज़्यादा देखने को मिलता है, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी देखने को मिलता है, वन प्लस वाले में आपको इसके अंदर 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। सारी वीडियो कैमरे की क्वालिटी को लेके हमने वीडियो बना रखी है, वो चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जरूर देखें दोस्तों। इसके अंदर परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं, तो आपको ओप्पो वाले स्मार्टफोन में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7050 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और वन प्लस वाले में आपको डायमेंसिटी 900 प्रोसेसर देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस वाइज आपका वन प्लस वाला ज़्यादा देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा है, इसमें ओप्पो वाले से क्वालिटी बेटर दी है वन प्लस वालों ने। बट इसके अंदर आपको हाई गेमिंग वगैरह नहीं कर सकते, एक कैजुअल गेमिंग वगैरह आप खेल सकते हैं दोनों ही स्मार्टफोन में। और हम UI की भी बात कर लेते हैं, तो आपको ऑक्सीजन OS देखने को मिलता है वन प्लस वाले में और साथ में ही ओप्पो वाले स्मार्टफोन में आपको कलर OS 13.1 देखने को मिलता है। दोनों ही स्मार्टफोन एंड्रॉयड 13 पे भी वर्क करते हैं दोस्तों। और मैं इसके अगर UI की भी बात कर लेता हूं, तो आपको जो कलर OS UI है उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐप्स वगैरह एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं, हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स वगैरह आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बट वन प्लस वाले में ऐसा कुछ अभी तक नहीं देखने को मिला है, अपडेट होने के बाद बता नहीं सकता। बट जो मेरे को वन प्लस की UI देखने को मिलते हैं ना, ऑक्सीजन OS, वो काफ़ी अच्छा मेरे को देखने को मिलता है, क्लीन UI आपको देखने को मिल जाते हैं इस वाले स्मार्टफोन में दोस्तों। बैटरी इन दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की देखने को मिलती है, बट फास्ट चार्जिंग आपको वन प्लस वाले में देखने को मिलता है 80 वोल्ट का और ओप्पो वाले में 67 वोल्ट का चार्जिंग देखने को मिलता है। और कैमरे को रिलेटेड आपको अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो वन प्लस वाले में 4K 60 FPS तक आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं रियर कैमरे से, और ओप्पो वाले में आप 4K 30 FPS तक ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेल्फी कैमरे में दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 1080 30 FPS पे ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, किसी में भी आपको 60 FPS का आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है दोस्तों।
बाकी आपको पता ही है कि हमने कैमरे की वीडियो भी कर रखी है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों।